नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनाली। यूपी में तबादलों का दौर अभी रुका नहीं है। कानून व्यवस्था और प्रशासन को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर सख्त बने हुए हैं। शुक्रवार सुबह यूपी की योगी सरकार ने 18 आईपीएस अफसरों के तबादले की लिस्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में देखिए, योगी सरकार ने एक बार फिर बड़ा एक्शन लेते हुए 18 सीनियर आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को सीनियर आईपीएस अधिकारी सभाराज डीआईजी एससीआरबी को लखनऊ और स्वामी प्रसाद की डीआईजी विशेष जांच प्रकोष्ठ लखनऊ में तैनाती की गई है। इसके अलावा सौमित्र यादव डीआईजी 112 लखनऊ, रमेश डीआईजी इंटेलिजेंस मुख्यालय लखनऊ, बाबूराम डीआईजी सीबीसीआईडी, दयानंद मिश्रा डीआईजी फूड सेल, योगेश सिंह डीआईजी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन लखनऊ की जिम्मेदारी मिली है। इस बार डीआईजी रैंक के 18 अधिकारी इधर से उधर हुए हैं, जबकि गीता सिंह डीआईजी अभियोजन लखनऊ, एन कुलांचे डीआईजी साइबर क्राइम, सर्वेश कुमार राणा डीआईजी खाद्य एवं रसद प्रशासन की भी लखनऊ में तैनाती की गई है। इसके साथ ही जुगल किशोर डीआईजी टेलीकॉम लखनऊ, विनोद कुमार मिश्रा डीआईजी एंटी करप्शन लखनऊ, बालेंदु भूषण सिंह डीआईजी लॉजिस्टिक्स लखनऊ, अरविंद भूषण पांडे डीआईजी टेक्निकल सर्विसेज लखनऊ बनाए गए हैं। राजीव मल्होत्रा डीआईजी पीटीएस उन्नाव, डॉक्टर अखिलेश निगम डीआईजी ईडब्ल्यूओ, ललन सिंह डीआईजी इंटेलिजेंस मुख्यालय लखनऊ और महेंद्र यादव डीआईजी ट्रेनिंग डायरेक्टरेट लखनऊ बनाए गए हैं। इससे पहले यूपी की योगी सरकार ने रविवार को कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए थे। दो जिलों के डीएम के साथ ही 5 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया, जबकि 10 आईपीएस अधिकारी भी इधर से उधर किए गए थे। इसी कड़ी में शुक्रवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। यूपी में 18 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए। योगी सरकार की तबादला नीति का यह परिणाम है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। अभी कुछ दिन पहले ही पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ था, लेकिन एक बार फिर यूपी सरकार में 18 आईपीएस अफसरों के तबादले से प्रशासनिक महकमों में हड़कंप मचा हुआ है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।